दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमर सिंह और मेरे सभी दोस्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और दोस्तों देखिए, समय रहते हुए इस मोटापे को, इस साइड की चर्बी को दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए साइड की चर्बी को कम करें और ये मोटापा 100% कम होता है। इसके लिए आज मैं आपको एक बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, इसका अभ्यास आपको धीरे धीरे करना है दोस्तों देखिए 100%। दोस्तों देखिए, मैंने भी अपना मोटापा, अपनी ये पेट की अधिक चर्बी को इसी प्रकार कम किया। और दोस्तों देखिए, जो सबसे मेन पॉइंट है इसमें खान पान, आपको कुछ खान पानों का परहेज करना होगा, यानी कि कम करना होगा या कुछ समय के लिए बंद करना होगा। नंबर एक, एनिमल फूड। अगर आप ओवर वेट हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों देखिए, अगर आप ओवर वेट हैं, मोटापा, पेट अधिक बढ़ा हुआ है, तो आपको सबसे पहले एनिमल फूड को छोड़ना होगा दोस्तों के, या कम करना होगा। अगर आप लेते भी हैं तो रात को इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरा है ठंडा पानी। ठंडा पानी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अगर आप योग एक्सरसाइज कर रहे हैं और ठंडा पानी भी पी रहे हैं, तो दोस्तों देखिए इतना योग एक्सरसाइज इतना जल्दी आपको फायदा नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको अपना खान पान, ये कुछ परहेज मैं आपको बता रहा हूँ योग एक्सरसाइज करने से पहले, इन परहेजों को आपको अपनाना है और 100% ये मोटापा कम होगा। जिस प्रकार भी ये मोटापा मेरा कम हुआ दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, एक तो एनिमल फूड का सेवन, और एक ठंडे पेय पदार्थों का सेवन, और एक जंक फूड का सेवन, और एक फैक्ट्री प्रोडक्ट का सेवन, इन चार चीज़ों का सेवन आपको कुछ समय के लिए बंद कर देना है। अगर आप करते भी हैं तो कम मात्रा में करें, और रात को तो इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए फैक्ट्री प्रोडक्ट में चीनी भी आ चुकी है दोस्तों देखिए, यानी कि जो फैक्ट्री प्रोडक्ट है वो चीनी, यानी कि फैक्ट्रियों से ही तो बनके चीनी आती है दोस्तों देखिए, तो चीनी का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। यानी कि अगर आप ओवरवेट हैं तो इसके लिए काफ़ी नुकसानदायक है, आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी दोस्तों देखिए, चीनी का सेवन कम से कम करना ही पड़ेगा, या फिर कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दें। कुछ समय आप 2-3 महीना बंद करके देखना दोस्तों देखिए, आपको कितना फायदा होता है दोस्तों देखिए, और योग एक्सरसाइज को अपनाना, आपको 100% फायदा होगा। तो मेरे सभी दोस्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और ये कुछ मैंने परहेज आपको बताए हैं योग एक्सरसाइज करने से पहले, कुछ ये परहेज हैं दोस्तों देखिए। नंबर एक, एनिमल फूड। नंबर दो, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स। नंबर तीन, जंक फूड। नंबर चार, ठंडे पेय पदार्थ में सब कुछ आ गया दोस्तों देखिए, ठंडा पानी, बर्फ़ का, फ्रिज का, बोतल का, या ठंडे पेय पदार्थ, या ठंडी आइसक्रीम वगैरह, जो भी मतलब ठंडे पदार्थ होते हैं दोस्तों देखिए। नंबर जंक फूड आ गया, मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे मोमोज है, चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। और उसके बाद तीसरा आ गया फैक्ट्रियों से, जिसमें सबसे पहले आता है चीनी। चीनी का सेवन आपको कुछ समय के लिए बंद करना है दोस्तों देखिए, या कम करना है। और एनिमल फूड में आता है एनिमल, यानी जानवर से जो भी हमें खाद्य पदार्थ, जो भी दूध प्रोडक्ट या मांस वगैरह जो भी हमें प्राप्त होता है, उनका सेवन आपको कुछ समय के लिए बंद करना है दोस्तों देखिए, आपको 100% दोस्तों देखिए फायदा होगा। अब मेरे कई दोस्त मुझसे पूछेंगे कि हम कौन सा खान पान करें, कि जिससे भाई अब खान पान भी तो करना है, अगर ये चार चीज़ें नहीं खाएंगे तो फिर खाएंगे क्या। आपको प्रकृति से, पेड़ पौधों से, XYZ पेड़ पौधों से आपको जो भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं, चाहे वो हरी सब्जियाँ हों, चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो मोटा अनाज हो, ये आप हमारा सबका मतलब हमारा मोटापा, हमारा फैट, हमारे पेट की अधिक चर्बी को कम करता है। और देखिए दोस्तों की सुबह का नाश्ता आप जरूर करें, 9 बजे से पहले अपना सुबह का नाश्ता करें, 2 बजे से पहले पहले अपना लंच करें, और रात्रि भोज ये आपके ऊपर है, सोने से कम आपको 2-3 घंटे पहले आपको रात्रि भोज लेना है। और सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर एक घंटे में एक गिलास पानी बैठ कर पीना है। कौन सा पानी, गुनगुना या सादा पानी बैठ कर पीना है दोस्तों देखिए। हो सके तो उकड़ू बैठे, अगर उकड़ू नहीं बैठा जा सकता है तो सादा बैठे, सादे में भी कोई दिक्कत है तो कुर्सी में या बेड में बैठ कर आपको पानी पीना है। हर एक घंटे में एक गिलास पानी आपको बैठ कर पीना है, खाना खाने से एक घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद। ये प्रतिक्रिया आपको अपनानी है दोस्तों देखिए, यही रिजल्ट मिलेगा। जिस प्रकार दोस्तों ये देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों देखिए, ये फैट कम हुआ, इसी प्रकार आपका भी ये मोटापा कम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए आज मैं आपको एक अच्छे से बता रहा हूँ, इसका अभ्यास आपको धीरे धीरे करना है। आपको पेट के बल लेटना है दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, पेट के बल लेटिए, इस पर पेट के बल लेटिए दोस्तों देखिए, और अपने दोनों हाथों को दोस्तों देखिए देखिए इस प्रकार रखिए दोस्तों, ये सॉरी अपने अपने चेस्ट के बगल पर दोस्तों देखिए, चेस्ट के दोनों हाथ, लेफ्ट भी और राइट भी, ये देखिए। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों देखिए, धीरे धीरे वन, जितना आप ऊपर आसमान की तरफ खिंचाव करें दोस्तों देखिए वन, और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ दोस्तों देखिए वन टू, फिर थ्री, फोर, दोस्तों देखिए, इसका अभ्यास करें दोस्तों देखिए, कैसे करना है दोस्तों देखिए, अब मेरे पंजों को देखिए, इस प्रकार अपने पैरों को पूरा
दरी पर टैच होनी चाहिए और हाथ एकदम तने हुए सीधा और नजर आसमान की तरफ करें दोस्तों। देखिए जो कि यहाँ खींचा हुआ है, पेट की तरफ खींचा है दोस्तों, देखिए ये देखिए। और उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने घुटनों के बल आपको पीछे इस प्रकार मोड़ना है दोस्तों, देखिए। और हाथों को ताना हुआ रखिए और नजर बिल्कुल जमीन पर टच करें सिर को दोस्तों, देखिए इस पर। वन, ये देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही सरल एक्सरसाइज, ये देखिए। टू, थ्री, फोर। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको कुछ खाने का परहेज बताया, आप इसको जरूर अपनाएं दोस्तों, देखिए आपको 100% फायदा होगा। आपको एनिमल फूड, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, जंक फूड, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कुछ समय के लिए बंद कर दें या कम कर दें, और रात को तो इनका सेवन आपको भूल के भी नहीं करना दोस्तों, देखिए। और सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, हर एक घंटे में एक गिलास पानी बैठ कर पिए दोस्तों, देखिए। दोस्तों देखिए यही प्रतिक्रिया मैं अपनाता हूँ, और जिससे कि मेरा मोटापा कम हुआ, जिससे कि मेरा यह फैट कम हुआ दोस्तों, देखिए, जिससे कि मेरी वेट की अधिक चर्बी कम हुई दोस्तों, देखिए। दोस्तों देखिए धीरे धीरे योग एक्सरसाइज को अपने 100% आपको फायदा होगा दोस्तों, देखिए। सूर्य उदय होने से पहले पहले उठने की आदत डालें, सूर्य उदय होने से पहले पहले योग एक्सरसाइज को अपनाएं। और दोस्तों अब मेरे कई दोस्त सोचेंगे कि ऐसे करने से कैसे मोटापा कम होगा, तो दोस्तों देखिए हमने पीछे की तरफ खिंचाव किया, गर्दन को पीछे की तरफ खिंचाव आएगा तो यहाँ खिंचाव आएगा दोस्तों, आप खुद करके देखना। और उसके बाद हम धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़े तो यहाँ दबाव आएगा दोस्तों, देखिए। और हमारे हाथ सामने होने के एकदम नज़र सामने होते हुए दोस्तों, देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही सरल एक्सरसाइज। मेरे सभी दोस्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और दोस्तों देखिए समय रहते हुए दोस्तों, देखिए देखिए समय रहते हुए इस मोटापे को, इस साइड की चर्बी को कम करें दोस्तों, देखिए। अधिक चर्बी ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदे मतलब काफ़ी नुकसानदायक होती है, ये आप सभी दोस्तों को मालूम है। तो दोस्तों देखिए समय रहते हुए इस मोटापे को कम करें, इसके लिए आज मैंने आपको जो बेस्ट एक्सरसाइज बताई है इसका अभ्यास आपको धीरे धीरे करना है। कैसे करना है एक बार मैं आपको रिपीट और करता हूँ दोस्तों, देखिए कई दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपको पेट के बल लेटना है, पेट के बल आपको लेटना है दोस्तों, देखिए इस प्रकार लेटना है। और दोस्तों देखिए उसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल पे लगाएं और धीरे धीरे उठें इस प्रकार, और उसके बाद धीरे धीरे पीछे की तरफ दोस्तों, देखिए टू, और उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ जाए दोस्तों, देखिए। कौन कहता है कि मोटापा कम नहीं होता दोस्तों, देखिए धीरे धीरे इस एक्सरसाइज का अभ्यास सुबह खाली पेट सूर्य उदय होने से पहले पहले 2 से 3 मिनट करें, नजर एकदम आसमान की तरफ होनी चाहिए दोस्तों, खिंचाव आसमान की तरफ करें देखिए, और पंजों को इस प्रकार रखें दोस्तों, देखिए। और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ आए दोस्तों, देखिए धीरे धीरे 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करें दोस्तों, देखिए बहुत ही सुंदर। आपको कैसे करना है एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको पेट के इस प्रकार पेट के बल लेटना है, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल पर रखें और नजर सामने और पीछे की तरफ मुड़े दोस्तों, इस प्रकार वन भुजंगासन ये देखिए, और उसके बाद बालासन में आए दोस्तों, देखिए इस प्रकार ये बालासन, और धीरे धीरे इस प्रतिक्रिया को आपको 2 से 3 मिनट करना, खिंचाव ऊपर की तरफ आसमान की तरफ नजर रखें दोस्तों, देखिए देखिए, जिससे कि हमारी गले की जो ग्रंथियां ये भी मजबूत बनेगी, हमारी कमर की मांसपेशियां मजबूत बनेगी और हमारा मोटापा कम होगा दोस्तों, देखिए। तो धीरे धीरे इस एक्सरसाइज का अभ्यास करें और जो खान पान जो डाइटिंग मैंने आपको बताई है इनका परहेज करें दोस्तों, देखिए तभी जाके हम इस मोटापे को कम कर सकते हैं। तो मेरे सभी दोस्त अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय रहते हुए इस मोटापे को, इन असाध्य रोगों को कंट्रोल करें दोस्तों, देखिए। देखिए मोटापा किससे कम होता है, खुद की मेहनत से, खुद मेहनत करनी होगी दोस्तों। देखिए अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपका मोटापा कैसे कम हुआ, तो मैं आपसे एक ही उत्तर दूंगा कि खुद का खान पान, खुद की मेहनत, खुद की जीवन शैली को सही अपनाने से मोटापा कम होता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।